नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम एक नई खबर निकल कर आ रही है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने खोला बैड बैंक। बैड बैंक का मतलब यूं समझ लो गंदा बैंक हो सकता है, बुरा बैंक, आप लोगों को जो शब्द समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले लेकिन मैं आपको ये समझा दूं, ये बैड बैंक क्या भला है, क्या चीज़ है, क्यों इसे का बनाया गया, इस गवर्नमेंट ने क्यों बना दिया बैड बैंक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपने सुना होगा कि सारी बैंक जितनी भी हैं लोन देती हैं, भाई लोन देती हैं, भाई तुम पैसा जमा करते हो फिर उस पैसे का लोन बांटती है लोगों में। लेकिन कभी कभार क्या देखा गया है कि भैया लोन बांट तो दिया लेकिन जब बैंक को लोन लेने की वापसी पर पैसे लेती है तो लोग किस्तें नहीं चुकाते और ना पैसा देते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किंगफिशर कंपनी का माल्या ना, अपना विजय माल्या या नीरव मोदी, ये सब जो घपलेबाज हैं जो पैसा ले लेके बैंक का भाग गए बाहर। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बैंक कोई बड़ा लोन देती है ना किसी को भी, या किसी को भी लोन देती है, तो वो कुछ रख लेती है अपने पास में, या तो कंपनी के शेयर रख लेती है, प्रॉपर्टी रख लेती है, या सोना रख के फिर लोन देती है, या फिर कोई छोटे मोटे लोन तो खैर मिल जाते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पे। लेकिन जो बड़े लोन देती है ना बैंक, तो वो कुछ रखती है अपने पास में। अब उसका करे क्या, बैंक का क्या सिस्टम होता है कि भाई अपने पास में भले उनके पास में उन्होंने 1 लाख का लोन दे दिया किसी को और बदले में 50 लाख की प्रॉपर्टी रख ली, लेकिन उस प्रॉपर्टी का वो करेगा, बैंक के एम्प्लॉय थोड़ी जाएंगे सड़कों भैया प्लॉट खरीद लो 50 लाख का प्लॉट खरीद लो, ऐसा नहीं होता। तो बैंकों ने बोला हमारी इमेज खराब हो जाएगी, गवर्नमेंट को तो भाई देखना है कि इतने सारे जो बैंक हैं वो कंगाल हो रहे हैं, बैंक आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक कंपनियों को गठन किया, दो कंपनियों को गठन किया। एक कंपनी है NARCL एक कंपनी खोली, गवर्नमेंट की ही कंपनी है ये NARCL, और मोदी जी ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दिए 30,600 करोड़ रुपए। याद रखना 30,600 करोड़ रुपए दिए ताकि ये क्या करे, सामान खरीदे। जी यानी कि NARCL का गठन किया कि भाई जो भी बैंक हैं, ये सारे जो बैंक हैं भाई छोटे मोटे बैंक जिन्होंने लोन दिया था और इन्होंने जो सिक्योरिटी मनी रखी है या प्रॉपर्टी रखी है या सोना रखा है, इस सबको तुम खरीद लो। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा इस सबको तुम हमें दे दो और बदले में जो अपना है वो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, जितने का भी तुमने लोन बांटा है उतने का ही हम तुम्हें पैसा दे देंगे, चाहे वो किंगफिशर कंपनी हो, ला भाई हमें दे दे, और तेरा जो बैंक का पैसा है 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ वो हम देंगे तेरे को। तो इस बात को लेकर के बैंक ने कहा ठीक है मेरी इमेज खराब नहीं होगी, मुझे मेरा पैसा मिल गया और तुम्हारी इमेज भी बच गई। तो अब बैड बैंक का काम ही यही है कि मतलब वो ना इनका NPA खरीद लेता है। NPA समझ में आ रहा है, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, यानी कि पड़े हुए हैं। मतलब 1 लाख रुपये लोन दिया, लोन वापस नहीं आया तो वो 1 लाख रुपये NPA हो गया उस बैंक के लिए, यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो 1 लाख रुपया कोई काम का नहीं है उस बैंक के लिए, जो उसने दिया है वो वापस नहीं आया इसलिए, तो वो NPA कहलाता है। अब वो सारा NPA ये NARCL कंपनी खरीदती है। अब NARCL कंपनी बोलती है कि मैं तेरे को 15% तो अभी दे रही हूँ, मतलब बैंकों से बोला कि तुम अपना NPA जितना भी है सारा NPA मुझे दे दो और मैं तुम्हें 15% पेमेंट तो अभी कर रही हूँ, अपना काम चला लो, बचा हुआ 85% जो भी तुम्हारा NPA यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो ताम झाम तुमने गिरवी रखा हुआ है, एक तरीके से गिरवी जो रखा हुआ है सामान, जब ये बिक जाएगा तो 85% मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बैंक NARCL ने बोला, यानी बैड बैंक ने बोला। अब बैड बैंक इसका करेगा क्या, तो बैड बैंक जो है उसने एक और कंपनी से मिलकर बनाया, दो कंपनियों से मिलकर बैड बैंक बनाया, एक NARCL जो कि परचेज करेगा, यानी कि सारे NPA यानी कि सारी जो गिरवी की चीज़ें हैं बैंकों के पास में वो सारी चीज़ें खरीद लेगा, और IDRCL एक और कंपनी खोली जो इसको बेचेगा, इंटरनेशनली बेचेगा या नेशनली बेचेगा, जिसको खरीदनी है भाई खरीद सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, किंगफिशर कंपनी हो या और भी कोई होटल हो वगैरह वगैरह, इन सबको वो बेचेगा, जिसको खरीदना हो खरीद लो। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैसे दिए 30,600 करोड़ रुपए बैड बैंक को, तो इन दोनों कंपनी को मिला के बैड बैंक बनता है, और बैड बैंक को ये पैसे दिए ताकि वो 2 लाख करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी को खरीद ले, यानी 2 लाख करोड़ की जो मटेरियल है वो खरीद लेगा, क्योंकि मैंने बताया ना 30,600 करोड़ 15% अमाउंट है जो वो बैंकों को दे देगा, ले भैया, और बदले में खरीद लेगा 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास आ जाएगी, यानी 2 लाख करोड़ के एसेट उसके पास आ जाएंगे, और वो फिर आगे बेच करके बाकी का 85% भी उसे दे देगा और अपना प्रॉफिट रख लेगा खुद। तो ये है खुशखबरी बैंकों के लिए। अब बैंकों के लिए खुशखबरी है तो उनके ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि अगर बैंक भी कमा रहा है, बैंक का अगर घाटा नहीं होगा तो
वो अपने कटौती नहीं करेगा ग्राहकों की सेवा में, जो ग्राहकों को सेवा मिलती है उसमें कटौती नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम है। अब बैड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा बैड जो लोन है, बैड लोन यानी बैड लोन आ गया ना भाई, लोन दिया वापस नहीं आया तो ये बैड कैटेगरी में आ गया बैड लोन। तो वो सारा बैड लोन खरीदती है और बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है। तो एक तरीके से ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है, ये ग्राहकों के लिए नहीं है, ये बैंक बैड बैंक, ये सिर्फ बैंकों के लिए बैड बैंक है और बैंकों के लिए गॉड बैंक है। बैड बैंक नहीं है ये, नाम इसका भले ही बैड बैंक दिया हो लेकिन बैंकों के लिए यह है गॉड बैंक, क्योंकि उनकी डूबती नैया को पार लगाने वाला भगवान है ये बैड बैंक। तो बैड भी अच्छा बन चुका है इस दृष्टिकोण से। और आपको अगर ये नॉलेज कुछ समझ में आई है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और पसंद आई ये नॉलेज कतई समझ में आ गई, दिमाग में घुस गई है तो भैया लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मिलेंगे किसी अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। देखो यार यहाँ मेरी वीडियो के अंदर गोलगप्पे वाला भी टन 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 बजाएगा और सब्जी वाला भी सब्जी बेचेगा और कुत्ते भी भौंकेंगे, क्योंकि भाई मैं खुले में शूटिंग करता हूँ, बजट प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी अपना एक ले लेंगे ऑफिस सा, फिर उसमें बनाएंगे वीडियो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप सबसे जल्दी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।